और सब 30 मैचेस कंप्लीट होने के बाद प्लेऑफ के 4 मैचेस और अब ये फाइनल तक पहुंच गए। हु विल बी द चैंपियन आपकी नजर में ऑन पेपर तगड़ी टीम अभी तक जितने मैचेस खेल के? देखिए T20 में ज्यादातर लोग रिलाय करते हैं बैटिंग की प्रोवेस के ऊपर और अगर वो देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की डेप्थ जो है ना सिवाय हुनैन और उबैद मकोए के जिनको हमने नहीं देखा बिल्कुल बाकी तमाम प्लेयर ऐसे हैं कि वो इफेक्टिव हो सकते हैं विद द बैट वो बड़ी हिटें भी मार सकते हैं और हैरान परेशान करने वाली बैटिंग तो हम नसीम शाह की देख भी चुके हैं और वो इस 9 में लास्ट बनते हैं। इमाद वसीम फॉर्म में आ गए, हैदर अली बड़े अरसे बाद एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। टॉप ऑर्डर आप देखें तो इनके गप्टिल फॉर्म में है, हेल्स आगा सलमान शदाब आजम फहीम तो बहुत एक लंबा तवील बैटिंग ऑर्डर है। लेकिन इसके बरक्स जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी है मुल्तान सुल्तान बिल्कुल और उन्होंने अपनी बॉलिंग के सर पर टीमों को रिस्ट्रिक्ट भी किया और ऑल आउट भी किया और अगर इसमें हम बात करें तो दो बॉलर्स तो उनके नंबर 1 और 2 है उसामा मीर और मोहम्मद अली। एग्जैक्टली डेविड विली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है पावर प्ले के अंदर, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, रन नहीं देते, एक आध इंपॉर्टेंट विकेट भी ले जाते हैं। क्रिस जॉर्डन जब डेथ बॉलिंग आती है, आपने देखा कि पिछले मैच में भी जो की विकेट था बाबर आजम का वो उन्होंने एक बहुत शानदार यॉर्कर करके लिया, तो ये बॉलिंग की जो माइट है इनकी आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त ये क्लैश होगा कि एक टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और दूसरी की बैटिंग स्ट्रांग है तो इसमें है। बहरहाल बैटिंग में ज़्यादा जो ये इनकी रिलायंस है वो यंगस्टर्स पे है, रिजवान के अलावा उस्मान खान जो कि ओवरसीज से खेल रहे हैं आउटस्टैंडिंग रहे हैं इस सीज़न में, यासिर खान ने पिछले मैच में अच्छी फॉर्म शो की है, इफ्तिखार क्लोजिंग मोमेंट्स पर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं तो इनकी रिलायंस ये टॉप 3-4 के ऊपर ज़्यादा है मुल्तान की, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बैटिंग ऑप्शंस बेतहाशा हैं और बॉलिंग ऑप्शंस में कह लें कि बस मिक्स्ड है काम। इस्लामाबाद कोई बॉलिंग हैवी साइड नहीं है, अगर हम नसीम शाह और इमाद वसीम जो कि बहुत तजर्बाकार हैं और इफेक्टिव भी रहते हैं नए बॉल के साथ, उसके अलावा हर बंदे को मार पड़ी है इधर इस टीम के अंदर। अच्छा बैलेंस्ड 11 आपको ज़्यादा किसकी लग रही, मुल्तान या इस्लामाबाद? क्योंकि इस्लामाबाद ये वो टीम है जो कभी एंड पर आकर चल जाते हैं, कभी इनका टॉप ऑर्डर अच्छा खासा परफॉर्म करता है। हमजा दोनों कंप्लीट टीम्स नहीं है, एक की बैटिंग हैवी है ये तो मैं बात कर रहा हूँ और एक की बॉलिंग हैवी है और आज कौन गलबा पाता है ये तो हम मैच में देखेंगे, लेकिन ये है कि फाइनल्स यूजुअली बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होते, टाइम्स दे आर नॉट वेरी हाई स्कोरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई शुड से, तो देखना होगा कि आज कैसे चलता है ये सारा कुछ क्योंकि बॉलिंग फॉर्म आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर और कराची में हमने देखा कि एट टाइम्स स्पिनर्स को ठीक ठाक असिस्टेंस भी मिलती है तो दोनों साइड्स पे स्पिनर है, स्पेशली उसामा जो कि 24 विकेट्स शायद अभी तक 23 विकेट्स हो गए उनको, दो विकेट चाहिए हसन अली का पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। अच्छा ओवरऑल अब इसकी 23 विकेट्स हैं और इसके अलावा इमाद वसीम की चूंकि व्हाट्सएप में बात की है, इमाद वसीम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की खुशकिस्मती ये है कि उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो क्रंच टाइम के ऊपर जो है वो फॉर्म में आ गए हैं। इमाद वसीम ने इस पीएसएल में अब तक 107 रन बनाए हैं जिनमें से 92 रन उनके लास्ट 3 मैचेस के अंदर आए हैं। अच्छा और इमाद वसीम की जिस चीज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं वो उनके वो 4 ओवर हैं जो वो आके बॉलिंग में करवाते हैं। इमाद वसीम ने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अब तक पूरे पीएसएल में सिर्फ 1 छक्का लगाया है लेकिन उस छक्के से भी वो अपनी टीम को मैच जितवाने में कामयाब हो गए थे। ये वही फेमस सिक्स है जो उन्होंने अब्बास अफरीदी को लगाया था, आपको याद होगा मुल्तान बिल्कुल मुल्तान के अगेंस्ट वो लगाया था।